स्वागत है मेरे चैनल में, दिस इज रॉकी। और चलो शुरू कर देंगे। ऐसे कि आपको पता है कि मेरा एग्जाम का दूसरा डे है आज, और अभी टाइम के रेडू 12 बज रहा है। और आज जाएंगे हम लोग, और तौसीफ को फोन कर दी, वो आ जाएगा पक्का 12 बजे। अभी कुछ 15 मिनट बाकी है 12 बजने में। सो उसके बाद हम लोग चलेंगे और बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। आप लोग बने रहो वीडियो में। और आज का मेरा आउटफिट होगा गाइस, और हमारा भाई वापस से वही शूज शेयर कर रहा है, उसको पहनेगा मेरा यही जूता पहनेगा तुम्हारा भाई। जाएगा एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन मस्ती बहुत ज्यादा करेंगे गाइस, क्योंकि तेरा भाई कुछ याद नहीं किया। क्या लेना होगा? प्रोटीन। प्रोटीन लेके क्या होगा? तो गाइस अगले बार हम लोग जब हम लोग कॉलेज गए थे गाइस, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग इस बार सोचे कि बहुत जल्दी निकले, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का है 2 बजे और हम लोग जाएंगे 12 बजे निकलेंगे घर से, क्योंकि हाथ पे टाइम लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर लेट हो गया तो फिर दिक्कत है वहाँ पे भी। और एक दिक्कत वहाँ पे ये भी था कि वहाँ रोल नंबर वगैरह मिलाना को बहुत ज़्यादा रूम है भवानीपुर के अंदर कॉलेज में, इतना सारा रूम है गाइस कि आदमी गुलिया जाता है। गुलिया जाता है। इसीलिए हम लोग पहले से पता करके जाएंगे और थोड़ा पहले निकलेंगे तो सही रहेगा, और निकल के वहाँ जाके प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, देन कम टू एग्जाम और घर। उसके बाद घर आएंगे और दिखाएंगे आपको। तो बाल आपको तो भाई का बाल देख रहा है, इसके 50 तोला का संग में। ये दुख का है ख़त्म नहीं होता बे, ये दुख दुख ही रहेगा मेरा। जो है इस तौसीफ आ रहा लेने, और जब तक हम पैदल निकलते हैं मोहल्ले तक। जाते हुए अभी तक तौसीफ आया नहीं, और आएगा तो चलते हैं। और चल अदनान, शाम को कॉफी भाई। अब चल हम नीचे आएंगे। हम इधर नीचे, हम तो रिटर्न में चला देवा, हम तो रिटर्न में चला देवा। गाइस ये लड़का इतना हरामी है, रात में मेरे को मोमोज के लिए बोला और फिर चल गया अकेला जीरोक्स कराने, वो भी मिनी। और अभी हमको देर है, क्या देर है देखा, मिनी जीरोक्स कराया है, देख लो गाइस। अबे ए चश्मा इसे कैसे पड़ेगा आदमी कैसे पड़ेगा, ऐसा दोस्त रहेगा तो कैसे पड़ेगा आदमी, तो पूरा चीटिंग करवा देगा गाइस, इतना शरीफ लड़का को। जब तक का एग्जाम का टाइम हो रहा है, तब तक हम लोग पल का रहे गाइस। किला का ना अच्छा लगा, भवानीपुर का सीन देखो। तो गाइस बारिश हो गई, पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, और व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा है गाइस, मूड ख़राब है। तो हेलमेट हाथ में, ऊपर से सारे चले गए, सब के सब चले गए गाइस। सिर्फ तौसीफ वहाँ खड़ा है, बात कर रहा है मैसेज में, और हम फंसे हुए गाइस कॉलेज यहाँ। मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स बच्चे मेरे लोग के क्लास के सारे चले गए, बट हम और तौसीफ बचे हैं, और अभी हम लोग जाएंगे घर। बारिश का मौसम, तो गाइस अभी हम लोग घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। बस यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो अभी हम लोग चलते हैं घर, और उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ा ब्लॉग हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, 7:30 बजे गाइस। उतना देर से गाइस बारिश हो रहा था, तो कॉलेज का बाहर निकल के, एग्ज़ाम का बाहर निकल के कुछ कर नहीं पाए, वीडियो वगैरह बना नहीं पाए, फ़ोन भी नहीं रहा था गाइस। तो अभी स्टार्ट किया, और मैंने कहा लंडे जिम भी गए नहीं हम, क्योंकि मेरे को बहुत लो फील हो रहा था गाइस, एसी में रहकर
थक गए थे, सर को बोले कि सर पास में गड्डी के पास रहने दे रहे, गड्डी गड्डी वाले का पास बोले कि सर हमको एसी थोड़ा सा लो कर दीजिए सर, ही कुछ लिख भी नहीं पाएगा इस, तो इससे मेरे को नुकसान हुआ बहुत। बट अभी रिकवर होने के लिए जा रहे, नाश्ता करने के लिए आमिर लेके जा रहा, आमिर ही आया था घर को बुलाने के लिए। आमिर हाँ भाई सर, हाँ भाई देख लो गाइस पूरा फैट भरा हुआ खा रहा बच्चे लग रहा, इसीलिए हम गाइस ये सब नहीं खाते। और अभी हम लोग यहाँ खाने ही आए थे, बट हेलो हम देखेंगे ये खाना है तो हम नहीं खाएंगे, अपन खाएगा सिर्फ अंडा प्रोटीन वगैरह ये सब, क्योंकि तो हमारी जिमर है ना। एग्जाम बाबू तुम लोग का एग्जाम एकदम हैवी किया मेरे तो, हम तो खाली सीट ट्रांसफर कर रहे थे, जहाँ मन कर रहा वहाँ आया। तौसीफ तेरा देख के लिखा है, तेरी अगर आजा गलत लिख दिया तो क्या होगा? आए थे वो का बोले गाजी भाव, अब कुछ नहीं हो सकता तौसीफ, गाजी का मुंह बन गया पूरा शादी से बैठा, कोना में कुछ नहीं लिख रहा, जो हम आदमी का झांक के लिखे लिखे उसका बात तो दोस्ती बार कुछ नहीं लिख सक रहा। आदिल देख दो, आदिल का ही गलत निकलेगा, हम तेरे को बोल रहे आदिल गलत, अबे आदिल सही लिखा लेकिन उसके बताने मांग रहा भाई, शुरुआत में जो झांक जलाया ना देख रहे लिख रहा है बंगाली था बगल में दोनों आस पास, हम बोले ना बास्ता हमको एमसीक्यू बताओ ना बास्ता, थोड़ा बोल रहा है इतना आरामी है बंगाली, सोचा बोले ना आगे वाले को पूछो ना हम उसको सब बताया है, हम बोले आगे वाले को, हम बोले आगे वाले से पूछे, आगे वाले बोले कि वही बताया हम, उसी से पूछो कोई नहीं बताने मांग रहा, हम बोले ना सुनो ना बंगला में बोला बंगला में, तुम इंग्लिश में लिख रहे समझ में नहीं आया, तुम बंगला बोलो ना हम इंग्लिश में अपना लिख लेंगे, तभी मां के चोट बताने का नाम ले इतना हरामी आया, ओए ओए कोई हरामी होए सर में पट्टी पट्टी बांध के निकल बेटा, तभी बेटा बहुत तौदी से पूछे ना इतना मिली लेके क्या का हुआ, बोला लौड़ा सामने बैठा दिया आगे में जाके बैठी ना, जब हम इतना बड़का बड़का इतना बड़का बड़का साइज लीजिए हम, ठीक है ना सर आया बोल रहा है ए बार तुम्हारी राइडिंग तो देखी हमी देखी नहीं सर देखो देखो बोले ये डक्की, बोले यार समझ में नहीं आ रहा आपको, बोले नहीं कैसे राइडिंग लिखो छोटा छोटा राइडिंग लिखोगे तब ना चलेगा, बोले राइडिंग तो बहुत खूबसूरत है, बोला राइडिंग तो अच्छा है लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं चले, नहीं चले समझ में आ रहा ना सर, मेरा वही रोल है सर लिखने का, कल पेपर भरने थे मतलब भाई पेपर भर दियो ना हमारे भाई भर दिया, एक एक तो देखो कहानी सुना रहे हैं रोल काटा मालूम है क्या रोल काटा है, हमको लग रहा था ना एमसीक्यू में जो भरने का था ना क्वेश्चन ही साइड पे उतार दिया है, तेरा तू ना लग रहा बोलना बोलना 10 क्लास का मध्यमिक में एक लड़का वाहिद नाम का बैठा है, ठीक है ना फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में तो सबका फटा हुआ रहता है, पांच तो लूसिड लिया, पांच तो लूसिड पांच तो लूसिड, जब रिजल्ट आया ना 8 नंबर आया उसका अरे वही तो हुआ था हावड़ा है ना मेरा हम उसका बगल में बैठे लिख रहा, ठीक है ना लिखते लिखते मैं वही चीज 5 लाइन लिखा, पांच लाइन उसी के नीचे उतार रहा हम उसी का पहले उतार छाप रहे थे, बोले भाई फिर से दोबारा लिख रहा, बोला वही तो रोल है भाई पेपर भरल वही मैम लोग फट फट साइन कर दिए ना, बोले चाला होला मेरी बात सही है मैम लोग जो भी चेक करता है खाली ऊपर का दो चार लाइन पढ़ते हैं सही लगा साइन, और उसका ना इतना हार्ड एटीट्यूड था, इतना हार्ड एटीट्यूड, वो जितना मार्क्स उसको करना है पासिंग मार्क्स वो कर ले रहा है, उसका किसी का नहीं सुनना, जमा दे के निकल ले रहा हूँ, बोला हमारा कोटा हो गया अब हम जाते नहीं ना गाइस हम लोग आ गए मोमो खाने, कितना बजे रहा पर्यान 10 10 बजे आए मोमो खाने, कुत्ता यार पर्यान मेरा व्लॉग मान ली, हो सकता है व्लॉग बनाते बनाते चार्ज खत्म हो जाए क्योंकि 1% चार्ज है, सो व्लॉग खत्म कर हम लोग खाना शुरू जल्दी से धर एक तो बाइट खा ले उसके बाद ब्लॉक जल्दी धर आप हो जाए गाइस, हो सकता है बाइट खाते खाते मेरा ब्लॉक खत्म हो जाए, मोमो बहुत अच्छा है गाइस, कैसा मोमो बहुत चकलस मोमो चकलस मोमो आप खाओ मौत करो बाय बाय